दोस्तों आसिफ नईम साहब जानना चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होने वाले हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, इसमें ये जो दो पेज का एडमिट कार्ड है इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, पूरे पढ़ के आप आसान भाषा में बताइए। तो दोस्तों नईम साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आसिफ नईम साहब को जो जानना चाहते हैं क्योंकि इनकी तैयारी अच्छी है और ये चाहते हैं कि कोई मैं गलती ना करूं जिससे हमें एक साल बर्बाद हो जाए। तो आप भी बहुत गौर से पूरे वीडियो को देखिएगा क्योंकि क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या अलाउ है, क्या नॉट अलाउड है, क्या आपको करना ही करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है। और कोरोना की वजह से कुछ और भी इंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, एक्स्ट्रा घुसा दिए गए हैं, तो एक्स्ट्रा जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको भी आपको जानना जरूरी है। तो दोस्तों देखिए, ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड फॉर एडमिशन टेस्ट ऐसा ही होता है साइंस के लिए, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। इनविजिलेटर टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ का क्या नियम है कि सेम अनअटेस्टेड फोटोग्राफ एज यू हैव अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म रिपोर्टिंग विदाउट फोटोग्राफ मे लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द कैंडिडेटर, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ इज नॉट अलाउड। जो आपने फोटो ये स्कैन किया हुआ है वही सेम यहाँ पे चिपका के ले जाना है, और जब ये फोटो यहाँ पे चिपकाएंगे तो यहाँ इनविजिलेटर इसके क्रॉस साइन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा कि आप वही कैंडिडेट है जो इसमें अप्लाई किया हुआ है। और आपको मास्क को नीचे करना पड़ेगा तभी मास्क या शील्डिंग आपका चेहरा पहचानने के लिए, तो ये काम आपको करना होगा, ये सबसे पहला प्रायोरिटी है। नहीं तो किसी कैंडिडेट के जगह पर कोई और बैठ के एग्जाम दे रहा है, जैसे जेई और नीट में हुआ है उसी तरह और भी एग्जामिनेशंस में होते हैं। और आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी नोटिस भी निकाली थी कि ईमानदारी से एग्जाम लेना है। तो यहाँ फोटो के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फोटो आप चिपका के ले जाइएगा, वही फोटो जो यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, फोटो वही होना चाहिए जो आपने इसमें दिया हुआ है। बाकी सारी चीजें आपके यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे रोल नंबर है, ये आपका नाम है, ठीक है, बाकी ये स्टेटस है, ये कैटेगरीज है, आपका टेस्ट सेंटर जो है, जैसे इनका टेस्ट सेंटर है FCI रोड फुलवारी शरीफ खगौल हाईवे पटना, ठीक है, और इनका कोड जो है टेस्ट सेंटर का 372 है। टेस्ट 26 तारीख को है एज यूजुअल, और शेड्यूल स्टार्ट है 10 बजे से और 2 घंटे का टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको कब सिग्नेचर करना है, एग्जाम रूम में करना है, ये ध्यान देने वाली बात है, गलती से कोई अभी सिग्नेचर करके ना जाए वरना आपको एक साल बर्बाद हो जाएगा, फिर एडमिट कार्ड वहां कहां से प्रिंट होगा आपका। तो सिग्नेचर आपको एग्जामिनेशन हॉल में करने हैं, मतलब एग्जाम जब दे रहे होंगे और इन्विजिलेटर साहब आपके पास आएंगे तब आके उनके सामने साइन करना है, फिर वहां पे ये साइन कर देंगे, या वो पहले बताएंगे तो आप साइन कर सकते हैं, लेकिन आप साइन करके नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ फोटो चिपका के आपको जाना है। और क्या करके जाना है ये देख लीजिए, ये करना आपको ये है कि आपका ये नाम है कि मैं ये हूं और आई हैव इन लास्ट 14 डेज में, अगर आपको बुखार हुआ है तो टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अगर जुकाम हुआ है, गले में खराश है, कफ हो गया है, सांस लेने में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, लास्ट 14 दिन में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आपको टिक करना है, अगर नहीं हुआ है तो छोड़ देना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो छोड़ देना, ठीक है, अगर आपको सही में हुआ है लास्ट 14 डेज में तो इसमें टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। अब बी नंबर में देखिए कह रहा है कि बीन इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ कन्फर्म्ड कोविड-19 पेशेंट, क्या आप कोविड-19 पेशेंट के साथ रहे हैं लास्ट 14 डेज में, अगर नहीं रहे तो छोड़ देना है। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, अब क्लोज कॉन्टेक्ट कोविड-19 पॉजिटिव के साथ पेशेंट के साथ रहे हैं तो करना है टिक, नहीं तो छोड़ देना है, मतलब बेसिकली आपको छोड़ देना, अगर ये चीज हुआ है आपके साथ तभी टिक करना है, क्वारंटाइन में रहे हैं नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। आपने लास्ट 14 डेज में कहां कहां घूमा है, अगर आप घर ही पर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ छोड़ देना है, ठीक है। और यहां पे कर लेना है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल, यहां भी एग्जाम हॉल में साइन करना है और ये भी एग्जाम रूम में साइन करना है, यानी साइन पहले से कुछ भी करके नहीं जाना है, सिर्फ आपको अगर आपको प्रॉब्लम है लास्ट 14 दिन में तो टिक करना है, और 14 दिन के अंदर अगर आप कहीं घूमे हुए हैं तो वो शहर का नाम लिखना है, ठीक है, और सिग्नेचर सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन में, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन लिखे हुए दूसरा पेज में ये पढ़ के आपको बेसिक सुना देता हूं। कैंडिडेट एडवाइस किए जाते हैं कि आप एक दिन पहले विजिट कर ले अपने टेस्ट सेंटर पर जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक वगैरह रूट वगैरह अच्छे से जान ले, तो इन्होंने एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन दे दी है कि आप एक दिन पहले जरूर अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर विजिट कर लें जिससे आपको जाने में, जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं भी विजिट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो पहला इंस्ट्रक्शन है। दूसरा क्या है कि एडमिट कार्ड जो है प्रोविजनल है, यानी आपने अगर लिख दिया कि मैं 10वीं पास हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि गारंटी आप 10वीं पास ही है, आपका बाद में सर्टिफिकेट भी चेक किया जाएगा, ये भी एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, आपको करना इसमें कुछ नहीं है। तीसरा ये कह रहा है कि अगर कोई एडमिट कार्ड पे आपका गलत, जैसे नाम में कोई प्रिंटिंग, फादर नेम में, मदर नेम में, कैटेगरी में या कुछ ऐसा मिस प्रिंटिंग हो चुका है तो आपको वहीं पे जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, जो मैनेजर होते हैं एडमिशन सेक्शंस में, उसमें आपको कॉन्टैक्ट करने हैं और अटैच करना है एक कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, ठीक है, और लिख देना है कि इसमें यह प्रॉब्लम है। अगर आपका एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है। अगर मिस प्रिंटिंग है तो आपको एक्शन लेनी है, अगर मिस प्रिंटिंग है ही नहीं, आपका एडमिट कार्ड सही है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है।
चौथा देखिए, द यूनिवर्सिटी रिजर्व राइट टू मेक चेंजेस इन एडमिशन टेस्ट शेड्यूल टेस्ट सेंटर। चौथा नंबर भी यूं ही है इंस्ट्रक्शन, यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि एडमिशन टेस्ट का डेट हम कभी भी चेंज कर सकते हैं और आपका टेस्ट सेंटर भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि सर आपने टेस्ट का शेड्यूल कैसे चेंज कर दिया और टेस्ट सेंटर कैसे चेंज कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम कभी भी आपका टेस्ट का डेट भी चेंज कर सकते हैं और टेस्ट सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। जनरली ये होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शन है, पढ़ना है, समझना है। अब आगे पता चलेगा क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना। कैंडिडेट मस्ट यूज, क्या यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन। जेल पेन लेके नहीं जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू, रेड पेन लेके नहीं जाना है। तो बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, पॉइंट वाला जिसमें गोली होता है, गोली तो उसमें भी होता है, लेकिन जो जेल पेन होता है उसमें क्या होता है, भींगेगा ना तो वो फैल जाता है, लेकिन बॉल पॉइंट पेन भींगेगा तो फैलता नहीं है। इसलिए बॉल पॉइंट ब्लैक या ब्लू लेके जाना है, 10-15 रुपया में आता है, मोटा वाला सर्किल बना लगा, वो पेन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये चीज लेके जानी है, क्या, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, जेल पेन लेके नहीं जाना है। तो ये भी आपको पता चल गया। बाकी और भी चीजें स्टेशनरी की जरूरत है तो लेके जाइएगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पाउच में ही लेके जाना है स्टेशनरी आइटम, कोई पेन वगैरह लेना है तो कोई डब्बा में लेके नहीं जाना है। ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली टाइप का आता है स्टेशनरी रखने के लिए, वो लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी लेके जानी है, जैसे 2-3 पेन है, जैसे लड़कियां हैं तो वो प्लास्टिक का कवर लेके जा सकती हैं जिसमें ये पेन वगैरह बाहर से भी दिखे, ठीक है। लिख दिया है कि इसमें ट्रांसपेरेंट पाउच, ये जरूरी है कि बच्चे डब्बा लेके जाएंगे तो डब्बा बाहर रखवा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब छठवां इंस्ट्रक्शन देखते हैं, हैंडबैग, कैरी बैग, मोबाइल फोन, कोई भी चीज लेके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जाना है। और कहां पे इसको रखना है अगर लेके जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी को नहीं है, आप अपना अरेंजमेंट खुद से करिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी हाथ खड़े कर देती है कि आपका बैग है, मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं, ठीक है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, कैंडिडेट शुड रीच द एग्जामिनेशन वेन्यू एटलीस्ट 1 आवर बिफोर द शेड्यूल स्टार्ट। 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट है तो 9 बजे किसी तरह पहले पहुंचेगा, 9 बजे के आसपास। टेस्ट सेंटर में 15 मिनट पहले ही आपको घुसने के अलाव होगा, कहीं कहीं 20 मिनट या आधे घंटे पहले भी घुसा देते हैं हॉल में, लेकिन इसमें लिखा है कि 15 मिनट पहले ही एंट्री करवाना है, ठीक है। और जब देखिए, अगर स्टार्ट हो गया 10 बजे से तो मैक्सिमम आपको 10-15 तक ही एंट्री मिलेगी। अगर 10:15 हो गया, क्योंकि 10 बजे से एग्जाम है, 10:15 हो गया उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम 15 मिनट लेट तक ही आप जा सकते हैं, घुस सकते हैं, 15 मिनट पहले और 15 मिनट तक, अब इससे पहले नहीं, इससे बाद नहीं, ठीक है। तो 10:15 के अगर आपका 10:20 हो गया तो एग्जामिनेशन में आप नहीं अपियर हो सकते हैं। तो 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट है तो 10:05 पे, 10 मिनट पे, 12-13-14 मिनट तक जा सकते हैं, लेकिन 15 मिनट हो जाएगा तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये है 8 नंबर इंस्ट्रक्शन। 9 नंबर देखिए, फॉर फोटोग्राफ इन द एग्जामिनेशन हॉल या रूम, कैंडिडेट्स हैव टू बी लोअर देयर मास्क, एडमिट कार्ड शुड बी डिस्प्ले एट द चेस्ट लेवल वेरेबल एप्लीकेबल। यानी जब इन्विजिलेटर साहब बोलेंगे कि आपका मास्क नीचे कर देना, तभी तो आपका चेहरा पहचान पाएंगे, तो मास्क आपको नीचे करनी है। ये नहीं कि कोरोना है मैं नहीं करूंगा, ये लिखा है कि आपको करना ही करना है। जब इन्विजिलेटर बोलेंगे कि मास्क नीचे कीजिए, तो मास्क नीचे करना है और आपके एडमिट कार्ड चेस्ट पे रख के दिखाना है कि मैं वही कैंडिडेट हूँ जो फोटो में हूँ, एडमिट कार्ड में हूँ, जो मैं बैठा हूँ वही कैंडिडेट हूँ जो एडमिट कार्ड में हूँ। तो आपको चेस्ट पे क्या रखना है, एडमिट कार्ड रख देना है, और आपको क्या करना है, मास्क नीचे करना है जब इन्विजिलेटर साहब या साहिबा बोलेंगी तब, ठीक है। तो मास्क नीचे करना है और चेस्ट पे रखना है जिससे आपको पहचान हो सके, क्योंकि एक के जगह दूसरी जगह बैठ के लोग एग्जाम दे रहे हैं। 10वां नंबर इंस्ट्रक्शन है कि फॉर OMR बेस्ड टेस्ट, कैंडिडेट शुड इनिशियली कंप्लीट एंट्रीज ऑन OMR आंसर शीट, द क्वेश्चन बुकलेट शैल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट 15 मिनट्स बिफोर शेड्यूल। यानी 15 मिनट पहले आपको बुकलेट दे दी जाएगी, उस पर जो भी OMR शीट पे एंट्रीज करनी है वो आपको करनी होगी। यानी 15 मिनट आपको दिया जाएगा कि कुछ कुछ लिखना होता है कि आपका जो आंसर बुकलेट है उसका नंबर क्या है, उसके बाद आपको ये लिखना होता है कि जो OMR शीट मिली है उसका सीरियल नंबर क्या है या सीरीज कौन सा है। तो वो चीज एंट्री करने के लिए 15 मिनट मिलेगा और इन्विजिलेटर जो वहां पे होते हैं वो अच्छे से आपको समझा देंगे। 11 नंबर देखिए, कैंडिडेट को व्हाइटनर या करेक्शन फ्लूड यूज नहीं करना। अगर OMR शीट पे कुछ गलती हो जाती है तो उस पे सुधार करने की जरूरत नहीं है, अलाउ नहीं है। 12 नंबर देखिए, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू लीव सीट। अब कैंडिडेट को जब एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा तो बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है, पूरा जब तक 2 घंटे खत्म नहीं होगा तब तक आपको जाना ही नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन पे 12 नंबर पे लिखा हुआ कि एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाएगा 2 घंटा आपको, तभी, ये नहीं कि 1 घंटा में एग्जाम मेरा हो गया, सब मैंने रंग दिया और भाग उठे, ऐसा नहीं, भागने नहीं देंगे। आप जब तक 2 घंटा पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको भागने नहीं दिया जाएगा। 13 नंबर देखिए, कोई भी चीटिंग वोटिंग करते हुए पकड़े जाएंगे तो यूनिवर्सिटी जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी हुई वो लेगी। तो 13 नंबर पे दिया है कि चीटिंग नहीं करना है। 14 नंबर पे दिया है कि आपका जो नंबर मिलेगा उसका नंबर का री इवेल्युएशन, री टोटलिंग नहीं हो सकता है। जो आंसर की पे जो फाइनल नंबर आएगा वही फाइनल होगा। आप बोलेंगे नहीं मेरा आंसर की फिर से चेक कीजिए, तो ये चेक नहीं होगा। 15 नंबर देखिए, फॉर OMR बेस्ड टेस्ट इन करेक्ट आंसर शेड रिजल्ट नेगेटिव मार्किंग। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 11th में नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, बाकी BHU और जामिया के 11th में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्योंकि डिप्लोमा का सब क्लब होता है तो नेगेटिव मार्किंग है।
कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है अगर वायलेट करेंगे तो आप पे एक्शन होगा, ये 16 नंबर पे लिखा हुआ है। 17 नंबर कह रहा है कि आपको ओरिजिनल ओएमआर शीट दो कॉपी होगी, एक जो डुप्लीकेट होगी जो आप घर पे ले आ सकते हैं, एक ओरिजिनल होगी जो ऊपर वाली होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली जो ओएमआर शीट है वो, और इसके साथ आपका ओएमआर शीट के साथ साथ आपका आंसर बुकलेट और एडमिट कार्ड, तीनों आपको वहां पे जमा करने होंगे। यानी एडमिट कार्ड एक्स्ट्रा जरूर रखिएगा क्योंकि एक एडमिट कार्ड आपको वहीं जमा हो जाएगा और ओएमआर शीट तो वहां जमा हो जाएगा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी, क्वेश्चन बुकलेट जो होता है वो भी जमा करने होते हैं। कभी कभी कोई दे देता है, कभी कभी कोई रख लेता है, तो ये डिपेंड करता है कि उस सेंटर पे उस दिन क्या इंस्ट्रक्शन है। यहाँ तो लिखा है कि सब चीज हैंड ओवर करके जाना है, आपको कुछ लेके नहीं जाना है। इन केस ऑफ एडमिशन टेस्ट विच आर नॉट बेस्ड ऑन ओएमआर शीट पे तो होगा ही, ऑनलाइन हो नहीं रही है, तो ये इंस्ट्रक्शन कोई काम का नहीं है। इंस्ट्रक्शन पेंडेमिक में क्या है कि अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 99.4 फारेनहाइट से ज्यादा है तो आपको अलग रूम में बैठा के टेस्ट लिया जाएगा, भगाया नहीं जाएगा आपको। अगर आपको बुखार भी है, तबीयत भी खराब है, तो आपको भगाया नहीं जाएगा, आपको अलग से रूम में आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पे आप एग्जाम दीजिए। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99.4 से ऊपर हुआ तो, इसलिए एग्जाम सेंटर पे पहले जाइएगा तो गर्मा गर्मी नहीं होगा, बॉडी आपका कूल रहेगा। क्या क्या परमिशन है ये मैं दिखाता हूँ आपको। एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं, ग्लू स्टिक अगर कुछ चिपकाना फोटो वगैरह है तो ग्लू स्टिक ले जा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर है 50 ml का वो आप ले जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल ले सकते हैं। आजकल कलर वाला भी बोटल आता है फ्रिज वगैरह में रखने के लिए, तो वो कलर वाला बोटल नहीं चलेगा, ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल चलेगा। ग्लव्स आपको ले जाना है, ये ध्यान रखिए, ग्लव्स, हाथ में दस्ताना, मास्क और पेन, मास्क, ग्लव्स, बोतल पानी पीने के लिए, हैंड सैनिटाइजर, ग्लू स्टिक अगर आपके पास चिपकाने की जरूरत है तो, वरना जरूरी नहीं है कि आपको ले जाना है। एडमिट कार्ड, ये सब चीजें परमिशन में, कोई चीज नहीं ले जाना है तो नहीं भी ले जा सके। अगर सैनिटाइजर नहीं ले जाना है तो कोई जरूरी नहीं, ये सिर्फ परमिटेड है कि परमिशन है, अगर नहीं ले जाना है तो कोई बात नहीं। एडमिट कार्ड तो ले जाना ही पड़ेगा, पेन तो ले जाना ही पड़ेगा, मास्क, ग्लव्स आपको ले जाना है। अगर नहीं ले जाएंगे तो आपको वहां भी हो सकता है कि दे दे। कोई डिजिटल इक्विपमेंट नहीं ले सकते, वो आपको पता है कि फोन नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर नहीं ले सकते, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको ये चीज़ तो पता ही है। अगर आपका ग्लव्स कुछ गंदा हो गया, फट फूट गया, कुछ हो गया है, तो आप अलग जगह डिस्पोज करने के लिए बनाया गया होगा कि आप मास्क और सैनिटाइजर वगैरह अलग जगह, एक जगह फेंकना है कुछ, तो कचरे का डब्बा होगा वहाँ फेंक सकते हैं। अगर PWD यानी कोई हैंडीकैप कैंडिडेट से उसके जगह कोई और लिख रहा है, तो दोनों लोगों का मास्क पहनना जरूरी है, ठीक है। तो PWD कैंडिडेट के साथ कोई अलग से कैंडिडेट जाता है, अगर उसको कुछ लिखना है या कुछ करना है तो भी उसको भी मास्क यूज़ करना है, मतलब ओवरऑल सबको मास्क तो यूज़ करना ही करना है। ये था एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन, जो कि मैंने आसान भाषा में प्यार से सब चीज़ बता दिया। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मोहम्मद आसिफ नईम साहब को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, होप इस साल आपका हो जाए, इंशाल्लाह आपका हो जाए, और आप अच्छे से मेहनत कीजिए। वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से दोबारा एक दो बार देख लीजिएगा, क्योंकि गलती कीजिएगा तो एक साल बर्बाद होगा, ये 15 मिनट का ही वीडियो है, आपका काम अच्छे से चल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय AMU।